हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी, जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा चैनल है स्विमिंग बाय मनी, दूसरा चैनल टेक्निकल लवली मनी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाए। टेक्निकल लवली मनी के ऊपर मैं करता हूँ अनबॉक्सिंग मोबाइल्स की। अगर आपने मोबाइल की अनबॉक्सिंग देखनी तो आप जा सकते हो टेक्निकल लवली मनी पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ कि स्विमिंग करते समय सांस कैसे ले फ्री स्टाइल में। मुझे बहुत सारे कमेंट आए इस चैनल के, मतलब कि इस रिलेटिव पे, कि स्विमिंग करते समय, फ्री स्टाइल करते समय सांस कैसे ले। तो आज उसी से रिलेटिव सारी वीडियो बनाने वाला हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं बता दूं कि मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं इसके ऊपर वीडियो बना दो, इसके ऊपर वीडियो बना दो। हालांकि मैंने वीडियो बनाई होती है। अब आसानी से मेरी प्लेलिस्ट पे जाके आप देखोगे तो ऑल स्विमिंग कैसे सीखे ऑल पार्ट, तो उसमें सारी मैंने स्विमिंग के पार्ट डाले हुए हैं, जो लेटेस्ट है या पुराने वाले हैं, सारे एक स्विमिंग से लर्निंग स्विमिंग मैंने सारी डाली हुई है। तो आज बात करते हैं कि फ्री स्टाइल करते समय कैसे सांस लें। तो इसमें अगर आपको सिर्फ फ्लोटिंग आती है और किकिंग आती है, उसके बाद सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, उसके लिए मैंने डॉग स्विमिंग बनाई हुई है। डॉग स्विमिंग में कैसे करते हैं तो मैं थोड़ा बाहर बता देता हूँ, बीच में मैं प्रोफेशनली दिखा दूंगा कि जो प्रोफेशनली करते हैं स्विमिंग वो सांस कैसे लेते हैं। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, जब आप स्विमिंग करते हो, हाथ पानी में चलाते हो, ये चीज़ चलाते हो ना, तो आपको सांस लेने में क्या होता है कि जब आप पीछे करते हो ना तो आपके आगे से बॉडी नीचे चली जाती है। रीज़न क्या है कि हम जब पीछे करते हो ना तो आप पूरा फेस सोचते हो, पूरा फेस बाहर निकलना, आपका सिर्फ अकेला मुंह बाहर आया ना, मतलब कि हाफ चश्मा जो आपने गोगल्स लगाया होता है उसका हाफ पार्ट भी बाहर आया, आप इजीली सांस करके ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आपने करनी होती है और ये बड़ी आसान है, मतलब कि स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होती है, उसके बाद ये काफ़ी आसान हो जाती है जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो। अगर आपको ऐसे सांस नहीं लेना आता, मतलब कि आप ऐसे करके सांस नहीं ले सकते, तो आप चार हाथ मारें, उसके बाद डॉग पैडलिंग पे लिए आप ऐसे ऐसे तेज हाथ चलाएं, उसके बाद आप इजीली सांस ले पाओगे। मतलब कि सांस लेके फिर से आप ऐसे ऐसे चलाएं लग जाओ, फिर से जब आपका कॉन्फिडेंस बहुत मतलब कि सॉलिड हो जाएगा, मतलब कि आपको अच्छे से हो जाएगा ना कि हाँ भी मैं एक टेक्निक तो मुझे आ गई कि मैं सांस जैसे मर्जी सांस लेना, मुझे सांस तो लेना आ गया। मतलब कि जब आपने ये स्विमिंग की, ब्रीथिंग छोड़ दी बाहर आके, फिर से ब्रीथिंग की, फिर डॉग पैडलिंग मारी तेज़, और जो किकिंग है वो फ्री स्टाइल की ही चलती रहेगी, फास्ट टक 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 टक। ठीक है, ये चीज़ चलती रहेगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपने, जब आपकी ये चीज़ होगी, आप फ्री स्टाइल में ये चीज़ लेने लग गए, डॉग की स्विमिंग में लेने लग गए, क्या होता है कि केवल आप ऐसे ऐसे हाथ मार के, आप ब्रेस्ट के ऐसे हाथ मार के फिर सांस ले सकते हो, फिर ऐसे ऐसे करके फिर ब्रेस्ट के ऐसे करके सांस ले सकते हो। ठीक है, ऐसे भी आप सांस ले सकते हो। उसके बाद जो मेन है कि फ्री स्टाइल करते समय जो सही सांस लेते हैं, जब आपको कंफर्टेबल हो जाएगा, आप स्टार्टिंग में इसी के ऊपर फोकस मत दो, स्टार्टिंग में सिर्फ आप हाथ और पैरों के, बल्कि जो सही स्विमिंग की टेक्निक है ना उसके ऊपर फोकस दो और सांस चाहे ऐसे ही लेते रहो। जब ये चीज़ आपके हाथ पैर मतलब कि अच्छे से माइंड को रिमाइंड हो जाएंगे कि पानी में ऐसे रिलैक्स रह के मारने हैं और सांस मैं ले लूँगा, उसके बाद धीरे धीरे ये स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, और इसमें करना क्या होता है कि आपने जब हाथ पीछे जाते हैं तो आपने हल्का सा फेस टर्न करना है, और मतलब कि ये नहीं है कि आपने जब पानी के अंदर जाना है तो सारा ब्रीथ सारी ख़त्म करके ही मुँह बाहर निकालना है। डूबने का कारण ये होता है कि केवल है ना ब्रीथ सारा ख़त्म कर देते हैं, मतलब कि सारा सांस पानी के अंदर छोड़ देते हैं, फिर सांस लेने के लिए जब वो मुंह अंदर करते हैं तो मुंह के अंदर पानी चला जाता है और पेट के अंदर चला जाता है, जिसके कारण बंदा घबरा जाता है। ये चीज़ नहीं करनी। ठीक है, तो क्या करना है, थोड़ा सांस छोड़ना है, बाहर आके उतना ही लेना, मतलब कि उतना सांस छोड़ना है जो इजीली बाहर आके कवर हो सके। ठीक है, मतलब कि आप तैर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, आपने थोड़ी सी ब्रीथिंग की, नाली थोड़ी सी ब्रीथिंग की, या एक बार इधर लो एक बार इधर लो, इससे क्या होगा, दोनों शोल्डर आपके अच्छे काम करेंगे। क्या होता है कि हम एक ही साइड लेते हैं तो एक साइड बाजू हमारी ज़्यादा काम करती है, एक साइड कम काम करती है। अगर आप दोनों साइड सांस लोगे तो आपकी दोनों साइड एक्सरसाइज मतलब कि पूरी होगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और ब्रीथिंग करते समय मुझे काफ़ी जने बोलते हैं कि मेरे नाक में पानी चला जाता है, मेरे मुंह में पानी चला जाता है। ब्रीथिंग करते समय जब आप बिगिनर हो तो आपने ब्रीथिंग स्टार्ट करते करते ही अंदर जाना है और करते करते ही बाहर आना है। ठीक है, नहीं आप करते करते मतलब कि अंदर क्या होता है कि पानी के अंदर जाके आप सांस छोड़ते हो ना, पानी के अंदर छोड़ते छोड़ते जाना है आपसे, वैसे हो पानी के अंदर जाना है, मुझे छोड़ते छोड़ते अंदर जाना है और छोड़ते छोड़ते बाहर आना है, और छोड़नी आराम से है, सांस तेज नहीं छोड़नी, बड़े आराम से छोड़नी है, जैसे आप नॉर्मली सांस लेते हो वैसे ही छोड़नी है। ठीक है, तो चलो अब मैं पानी में टिप्स दिखा देता हूँ कि पानी में कैसे प्रोफेशनल करते हैं। और वो एक चीज़ और, जिनको डॉग स्विमिंग के बारे में मुझे कमेंट करने लगे थे, अच्छे से दिखाओ, मैं डॉग स्विमिंग एक बार दिखा देता हूँ, वो मेरी खुद की नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पानी में। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, टिप्स मैंने सारी बता दी है। सांस लेते समय बैक में करना है तो आप पहले बाहर भी प्रैक्टिस अच्छे से करो तो आपको अपने आप अंदर आ जाएगी। तो चलो एक बार पानी में दिखा देते हैं, उसके बाद वीडियो का एंड करते हैं। तो फ्रेंड्स,
अगर आपको नहीं तैरना आता तो डॉग स्विमिंग कुछ ऐसी होती है, ठीक है, अदरवाइज मैंने डॉग स्विमिंग के ऊपर स्पेशली पार्ट भी बनाया हुआ, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। ये उनके लिए है जिनको बिल्कुल स्विमिंग नहीं आती, अदरवाइज स्विमिंग आती है तो वो सांस लेने में दिक्कत करते हैं। तो अभी ये लड़का थोड़ा, मतलब कि जो अभी मेरे बैकग्राउंड में अभी सारे नहा रहे थे वो थोड़े से डिस्टर्ब है, तो अभी चेक कर सकते हो कि ये कैसे डॉग स्विमिंग कर रहा है और बड़ा आराम से कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि माइंड आपने शांत रखना है, कंफर्टेबल मतलब कि रहना है। तो अब क्या है कि डॉग स्विमिंग जब आप फ्री स्टाइल करते हो, दो हाथ मारने के बाद आप डॉग स्विमिंग करने के बाद आप ऐसे सिर निकाल के सांस ले सकते हो, पहले टिप्स तो ये रहती है। अब जो कि मैंने बाहर भी बताई थी, अब मैं प्रोफेशनली दिखा देता हूँ, प्रोफेशनली स्लो मोशन में दिखा देता हूँ। इसमें आप डाइविंग भी चेक कर सकते हो, जब डाइव मारने तो उसके बाद पैर सीधे होने चाहिए, ज्वाइंट होने चाहिए, सांस कैसे लेते हैं प्रोफेशनली चेक कर सकते हो कि जब सांस लेते हैं तो हल्का सा फेस टर्न करते हैं। यही चीज़ मैं आपको स्लो मोशन में भी दिखाऊंगा और सुपर स्लो मोशन में, मतलब कि जो सांस वाला लेने वाला पार्ट है वो मैं आपको बिल्कुल स्लो मोशन में दिखा दूंगा। एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपको हैंड वर्किंग पूरी आती है, जैसे समर शॉट होती है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हो कि ये अभी सांस ले रहा है, देखो हल्का सा फेस, आधा चश्मा बाहर आ रहा है इसका और सांस ले रहा है, इजीली बड़े आराम से ले रहा है। पर ये प्रैक्टिस के बाद ही इतना मतलब कि ट्रेन होगा पता है, अदरवाइज आपने मैंने जो मेरे चैनल पे वीडियो है सांस के रिलेटिंग, फ्री स्टाइल करते समय सांस कैसे ले, वो भी मैंने काफ़ी डाली हुई है। तो फ्रेंड्स अब हमको स्लो मोशन में दिखाते हैं, स्लो मोशन में डाइविंग चेक कर लो, ठीक है, पॉइंट चेक कर लो क्या होते हैं। जब आप डाइव मारते हो तो पैरों को नीचे देखना है और पैर आपके स्ट्रेट होने चाहिए, पानी में पैर ज़्यादा फोल्ड नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब आप डाइव मार लेते हो, उसके बाद डॉल फिल की भी मैंने वीडियो डाली है, डाइव मारने के बाद कुछ टाइम तक आप डॉल फिल कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसी से स्पीड बनती है और काफ़ी दूर तक आप अंडर वाटर जाते हो, ठीक है। और उसका बेनिफिट क्या होता है कि आपकी स्पीड स्लो नहीं होती, जब आप डाइव मारते हो तो वो एक वेव बनती है, वेव के कारण क्या होता है हमारी स्पीड स्लो होती है, हमें वेरी बॉडी का ज़्यादा जोर लगता है। हम डॉल्फिन अंडर वाटर इसीलिए करते हैं ताकि जो वेव्स है वो हमारी पीछे रह जाए, हम उनसे आगे निकल जाए, फिर वो वेव खत्म हो जाती है जब हम आगे आ जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सांस देख सकते हो कि आराम से पीछे बैकग्राउंड में, मतलब कि जब हाथ बाहर आता है तो आपने सांस लेना है। अब ये एक ही साइड से सांस ले रहा है, ठीक है, दोनों साइड आपने सांस लेना है। उसके ऊपर मैं एक छोटी सी टिप्स बना के मैं डाल दूंगा, बहुत जल्दी डाल दूंगा, ठीक है, कि दोनों साइड सांस कैसे लेना है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगी दोनों साइड सांस लेने में, अब मैं आपको एकदम क्लोज करके कैमरा दिखा देता हूँ एकदम स्लो मोशन में, ठीक है। समर शॉल्ट के ऊपर मैंने वीडियो बनानी है जो कि बहुत जल्दी बना दूंगा, ये चेक कर सकते हो। समर शॉल्ट में हमारे काफ़ी टाइम बच जाता है अगर आपकी समर शॉल्ट फास्ट है, ठीक है। तो ये सुपर स्लो मोशन में चेक कर सकते हो कि हैंड पीछे किया, सांस लिया, फिर फेस के अंदर ब्रीथिंग उतनी ही करनी है जितना कि हम सांस रिकवर कर सकें, यानी कि आप ब्रीथिंग ज़्यादा छोड़ दो और सांस लेने के लिए जितनी साथ आप सांस छोड़ोगे उतनी ही सांस आपको वापस लेनी ही पड़ेगी। ये बात का ध्यान रखना है कि आपने कम सांस छोड़नी है और तुरंत लेके, बल्कि दो हाथ मारने के बाद आप सांस ले सकते हो, बिगनर हो एक हाथ के बाद भी आप सांस ले सकते हो, बल्कि ये नहीं है कि अभी मेरी ब्रीथ रहती है मैं और रोक सकता हूँ तो क्या होता है कि बैलेंस बिगड़ जाता है ब्रीथिंग का। वैसे कि चार हैंड चलते हैं उसके बाद आप सांस लेते हो, 1 2 3 4, ठीक है ना, एक साइड लेते हैं एक साइड दूसरी साइड लेते हैं, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो कि आराम से चिंटू साइड फेस करके आराम से सांस ले रहा है, पर इसको तो काफ़ी टाइम हो गया, बल्कि इसको मैं पर्सनल ट्रेनिंग देता हूँ, ठीक है, तो इसको काफ़ी टाइम हो गया। तो फुटवर्किंग भी चेक कर सकते हो कि कंटिन्यू चलने चाहिए और फास्ट चलने चाहिए, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आप हैंड मूवमेंट पे ध्यान देते हो, सांस लेते समय पैर रुक जाते हैं, पैर नहीं रुकने चाहिए, ये छोटी छोटी बातों पे आप ध्यान रखोगे। और स्विमिंग में काफ़ी स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि हम फेस बाहर निकालते हैं बॉडी नीचे चले जाती है, या फिर हम सांस लेते हैं तो किकिंग नहीं हो पाती, माइंड ये चीज़ रीड करने में थोड़ा टाइम लगाता है जिसके कारण हमें याद करना पड़ता है, काफ़ी टाइम लगता है। और मेरे बैकग्राउंड में अगर थोड़ा बहुत शोर आया उसको थोड़ा मैनेज कर लेना फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अभी शॉप पर बैठे एडिटिंग कर रहा था, मैं वीडियो बनाने में लेट हो गया, आज भी वीडियो शूट करते समय बारिश हो रही थी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फ्री स्टाइल करते समय हमने सांस कैसे लेना है। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही सपोर्ट कर देना। तो चलो वीडियो का एंड करते हैं, और हाँ, वीडियो को कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाएं। तो चलो वीडियो का एंड करते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि स्विमिंग करते समय सांस कैसे लेना है, मैंने स्लो मोशन में भी आपको दिखा दिया है। तो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दो और इसी तरह मुझे कमेंट करते रहो हैशटैग लगा के कि कौन सी वीडियो आगे बनाऊं। और इस बार तो मैं फ्री स्टाइल की कवरिंग करूंगा, इस बार वीडियो लेट होगी, आज भी बारिश का मौसम था और मैंने पहले शूट किया उसके बाद आज की शूट कर रहा हूं, जैसे कि डाइविंग से चिंटू की शूट कर ली थी मैंने, ठीक है, बीच में ये थोड़े बच्चे मतलब कि मेंटली थोड़े डिस्टर्ब है, बट ये यहाँ पे मस्ती करने आते हैं, ये लेके आते भी हैं, वो बैठे भी है शूट कर रहे हैं, और इनका भी यूट्यूब पे है
मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना, मतलब कि बढ़िया रहता है। तो फ्रेंड्स यही था कि फ्री स्टाइल में मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि हार हैंड चलाते समय सांस कैसे लें, और वीडियो मैंने स्लो मोशन में भी दिखा दिया। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, और अगर फिर भी कुछ ना समझ में आया तो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ज़्यादा डिस्टर्ब मत करना, मतलब कि उसके ऊपर ज़्यादा कुछ मत डालना, ठीक है। और एक चीज़ और बतानी है कि जब मैं सारे पार्ट की वीडियो बना देता हूँ उसके पीछे मैं पार्ट लिख देता 1 2 3, मतलब कि ऐसे आपको पता लग जाएगा जब मेरा लेटेस्ट पार्ट आएगा, मतलब कि अब 14 पार्ट है या 15 पार्ट ये आएगा, ये 15 लिखूंगा इसके पीछे, ठीक है ना, इन हिंदी में। तो अगर आपको मेरे कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वॉच द वीडियो। और कुछ मैं बोल तो नहीं रहा, नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, तो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू। तो फ्रेंड्स ये है मेरे चैनल स्विमिंग बाय मनी जिसके ऊपर आप वीडियो देख रहे हो, ये है टेक्निकल लवली मनी जिसके ऊपर मेरी अनबॉक्सिंग की वीडियो आती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और नेक्स्ट भी वीडियो को इस पर बनाऊँ वो भी जरूर बताना। थैंक यू वॉच द वीडियो।